ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के चुरली पंचायत अंतर्गत तबल भिट्टा गांव के वार्ड नंबर 7 में दो मासूम बच्चों के माता पिता की मृत्यु होने की लगभग 1.5 साल बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। भरण पोषण करने में परेशानी, बूढ़ी विधवा दादी के सहारे चल रहा है जीवन यापन। ज्ञात हो कि पहले मासूम बच्चों के पिता मोतीलाल गणेश का निधन 2 फरवरी को हो गया, जो काफी समय से बीमार चल रहे थे। पति के निधन का सदमा पत्नी सहन नहीं कर सकी और पत्नी की भी महत 1 महीने के अंदर उसकी भी मौत हो गई। वहीं पत्नी कोनिका देवी का मृत्यु पति के मृत्यु के 1 महीने के बाद यानी 5 मार्च को हुआ। जिस उम्र में इन मासूम बच्चों को माता पिता का प्यार और सहारा का जरूरत था, उसी उम्र में बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया। बच्चों के पिता की मृत्यु के कुछ दिन के बाद ही बच्ची की माँ भी की भी मृत्यु हो गई। लगभग 1.5 साल गुजर जाने के बाद कोई भी सरकारी लाभ इन बच्चों को नहीं मिला है। बच्चों की बूढ़ी विधवा दादी दोनों नाबालिग बच्चों का भरण पोषण अपने बेटे बहू से मदद मांग कर रही है। इधर 90 वर्ष की बूढ़ी विधवा माँ के सामने बेटा और बहू मृत्यु हो जाने से बूढ़ी दादी नाबालिग पोते को अपने बेटा के बदली देख रेख कर अपने दिल को मना रही है। वहीं कमल कुमार गणेश उम्र 14 वर्ष और दीपू कुमार गणेश उम्र 13 वर्ष प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामुनी गुड़ी में बड़े भाई 8वीं क्लास तो छोटे भाई 6वीं क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बच्चों की बूढ़ी विधवा दादी हीरवती देवी ने बताया कि दोनों मासूम बच्चों के माता पिता के गुजर जाने का 1.5 साल हो जाने के बावजूद अब तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की योजना का लाभ इन बच्चों को नहीं मिला है, जिसके कारण बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चों ने बताया कि अगर सरकार के द्वारा सरकारी योजना का लाभ इन बच्चों को नहीं मिला तो बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देख रहे हैं, मगर सरकार की जिम्मेदार अधिकारी की बेखबर होने के कारण इन बच्चों के सपनों पर कहीं पानी ना फिर जाए। खूब से गए दिरापा तकला खाचो 1.5 साल हो गए बेटा बहू कतक दिबे ओ बाबा ने बेटा बहू ला बेटी ला कतक दिबे खाचो संगे सतन टका ने पैसा कनो कर छलक परामु कते दिन होल मोरवार बेटा और बहू 10 साल हो गए। अब दीरा पोता फिरती कैसे चले छन? आप कैसे के पाले छे तुम? कहीं पा मत थोड़ा खिला मो जब होला को दादी दे मगे पिस्ता दे मगे पिस्ता खाना छ मले खुना मांगा वद मगे। अब की मांग कर छी सरकार से? सरकार से की मांग करे छी? सरकार तो कहते लिखे दिनों कहा दे कुछ खा मदद दे कुछ तो टका पैसा कहा क्या बार कहा मैं मोटो लिखे दिनों जगह साल लेकिन आधार कार्ड दे कहा कुछ दे कहते मैं बहुरा बैठा ना मुझे 3,000 का टका दिए मुझे खा नहीं दे। की परेशानी है? परेशानी तो खूब परेशानी है। परेशानी रहे जाए खावा पीवा बहुत दिक्कत हो जाओ माँ, और कोई सहारा करने वाला नहीं, ना कोई सरकार दी है, ना कोई सरकारी आदमी हो सी है, कोई पूछ वाल लोग नहीं आता। कते दिन होली इलाज छुआर माँ बाप इंतकार? मुरवार कम से कम 1.5 साल से उग्रत हो गई, आज तो कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। अब ये इलाज छुआर संगे वार दादी और ये दीजन भाई गुजर बसर कर जाए की जरिया से रहा ठीक? मान ली कोई जरिया नहीं है, छोला इसकुल बेरा जा छे वो एकदम होती खा छे फिर घोटो से देखा छे कुछ नहीं मिले छे। एकटा दादी छे विकलांग ते वा की करू कोई उपाय नहीं छे। की मांग कर छे सरकार से? मांग की हो रे सरकार से बाल बच्चा लग देखो और कुछ दो ताकि छोला पढ़े लिखे कुछ करो पारे। की नाम तो उत्तम लाल? की परेशानी छे तोर संग? खावर पीवर कपड़ा लदर पड़वार माँ बाप मरवार कते दिन होल तोर? 1.5 साल। अब खाना पीना कैसे हो चाहे कपड़ा लता स्कूल कैसे यहाँ स्कूल पैदल यही खाना पीना मोर दादी बना है। सरकार कोई योजना लाभ मिली कि राशन कार्ड या पैसा तैसा मिलते सरकार दी छे? ना नहीं दिए। 1.5 साल से कोई उसी है मेंबर मुखिया या पदाधिकारी कोई पूछवा की मांग कुछ है सरकार से? एक बार कपड़ा लता अच्छा पीवर। की नाम बोलते? कमल गणेश।
और माँ बाप ने से खबर तबल बहुत दिक्कत कर से स्कूल जवाल बहुत दिक्कत हो जाए और कब मुड़ी ले तोर माँ बाप एक डेढ़ साल हो गए एक डेढ़ साल हो गए कुंडा स्कूल पढ़ी जामनीगुड़ी कितना क्लास हो सिक्स क्लास हो डेली स्कूल आप जा सर वो चीज कोई दिक्कत उक्कत हो जाएगी रास्ता दिक्कत बहुत होता है बड़ा जा बड़ा जा चीज तो की मुंडत कर छे की आगे जाए की करबो तोर माँ बाप तो छे नहीं कोई सहारा नहीं छे तोर दादी छे आगे जाए दुकान दुकान आ जाए बहुत जन खा छे परिवार मन नहीं कर छे आगे परिवार मन नहीं कर छे कुछ बनवार मन नहीं कर छे पढ़े लिखे कुछ अफसर बनवार माँ बाप छे नहीं तो नहीं बनबो ना अगर सरकार पढ़ा लिखा पैसा देवे तो पढ़बो पढ़बो की नाम बोल तोर दीपू